लेडीज हॉस्टल है वो 6 एकड़ है, 5 घंटे एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी हमारे धर्म के गुरु और कुछ लोग मिला के वो उसको प्रॉपर्टी को लीज में नहीं तो किसी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वो This video presented by Shri Basveshwar Medical and General Store, providing the highest quality and 100% genuine medicines. 24/7 hours medical is open and free home delivery also available. Medicines at your doorstep. Opposite Basveshwar Hospital, Sedham Road, Kalburgi. हम लोग क्रिस्ट समुदाय के अपना मेथोडिस्ट चर्च मेंबर्स कलीसिया के तरफ से हम लोग सभी लोग मेंबर्स यहाँ पे अपना गुलबर्गा डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में आए हैं। बहुत दुख के साथ आज हम लोग सभी लोग इकट्ठा हुए, सुमार क्या ना तो 3-4 लोग ज़्यादा से लोग हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। ये जो आज आने का विशेष यह है कि अपने जो मिशनरी प्रॉपर्टीज है जो हमारे मेथोडिस्ट चर्च के संबंध यहाँ पे MCI का मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया का संबंध है वो हम लोगों को हमारे ही एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हमारे ही जो रक्षक रहते हैं वो लोग ही इसका जो बेचने का और डेवलपमेंट के नाम में बेच के दुरुपयोग कर रहे हैं। हम उसके लिए हम लोग सभी लोग यहाँ पे आके इसके बारे में प्रतिभटना कर रहे हैं। खास करके अपने जो बेंगलुरु रीजनल कॉन्फ्रेंस जो हमारे मुख्य गुरु है, परम गुरु है, मेथोडिस्ट संस्था के बिशप एनएल करकरे और सेक्रेटरी डेविड नथानियल, ये दोनों लोग जो कदम उठा रहे हैं उसका विरोध में हम लोग DC को एक मेमोरेंडम सबमिट करें, उनके ऊपर एक्शन लीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है गुलबर्गा में, खास करके जो शांति सदन जो गर्ल्स हॉस्टल है वो पंडित रमाबाई ने स्थापना करे थे, जो महान विद्वान थे, उनका जो विचार थे वो हर एक महिला को ये संस्था से उनको एजुकेशन मिले थे बोल के वो विजनरी को ये लोग ख़त्म करना चाह रहे। हम लोग उसके लिए कलिचे के सभी लोग हम लोग इसको बचाना चाह रहे, उसलिए हम लोग खास करके अपने डिविजनल कमिश्नर मैडम जी से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये पब्लिक ट्रस्ट है, आपको हक है इसको बचा के, हमारे पुरखों के जमीन है जो हमारे आगे पीढ़ी को ये हमारे लिए बचा के रखने के लिए, ये बोल के हम लोग धन्यवाद से बात। अगर ये डिमांड आपकी पूरी नहीं होती है तो आपका अगला स्टेप क्या है? हाँ, और ये हम लोग मैडम ये जो हम लोग जो डिमांड रखे हैं अभी ये हम लोग अपने यहाँ पे लोकल MLA सर है अलम प्रभु पाटिल जी और हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज प्रियंका खड़गे सर, उनके भी हम लोग जाके अप्रोच होते, वो गवर्नमेंट से हम लोग प्रेशराइज करते, दबाव डाल के इसके बारे में हम लोग जो हम लोग को ये बचाने के लिए एज ए मिशनरी प्रॉपर्टीज है 125 साल के ऊपर से जो हम लोग जो सेवा करें खासकर महिलाओं के लिए एजुकेशन के बारे में कुछ भी हो इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट को भी हम लोग अप्रोच हो रहे हैं इसके बारे में कुछ विशेष फंड देके, अगर ये सब करने तक हम लोग और अंत में हम लोग इसके बारे में होराटा काम स्टेट लेवल पर करते हैं और नेशनल लेवल में भी हम लोग इवन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की इसके बारे में हम लोग ये सूचना करके हम लोग आगे हम लोग ये जब तक बसता नहीं जब तक हम लोग होराटा जारी रहेगा। हमारा गुलबर्गा सिटी के सब क्रिश्चियन से एक हमारे पास एक मनवी है कि बोले तो हमारा एक शांति सदन एक हमारा एक लेडीज हॉस्टल है वो 6 एकड़ है 5 घंटे एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी हमारे धर्म के गुरु और कुछ लोग मिला के वो उसको प्रॉपर्टी को लीज में नहीं तो किसी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोले तो लेडीज़ के वास्ते बने सो मिशनरीज का जगह है, वो एक गुलबर्गा के क्रिश्चियंस लोगों के वास्ते वो प्रॉपर्टी है, मगर ये लोग बेचने का ये उनको आदेश नहीं है और सरकार का भी ये भी नहीं, इसलिए प्लीज़ हम क्या कर रहे हैं जिलाधिकारी को एक मनवी है वो प्रॉपर्टी हमारे क्रिश्चियंस लोगों का है, वो आज धर्मगुरु आज रहते वो कल घर को जाते हैं, इसलिए वो प्रॉपर्टी हमारे जनसंघ के वास्ते हमारे लोगों के वास्ते हमारे अभिवृद्धि के वास्ते वो जगह है, वो बेचना नहीं बोल के उनके ऊपर कोई एक्शन देना बोल के DC को मनवी दे। मेरा नाम सिमियन सामर। यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा मेथोडिस्ट चर्च का प्रॉपर्टी जो है शांति सदन ये 6 एकड़ 5 घंटा है, इसमें पिछले 1927 से यहाँ लड़कियों के लिए
हॉस्टल था और विलेज में रहने वाले बच्चों को ये सुविधा होना बोल के ये यहाँ पे ये शांति सदन हॉस्टल खोले थे। तो यहाँ से बहुत सारे लड़कियाँ पढ़ के विदेश में है, यहाँ पे हम भी वही हॉस्टल में पढ़े हैं। अभी ये जो प्रॉपर्टी है वो सेल करने के लिए हमारा धर्माधिकारी जो है उन्होंने डिसाइड कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो इसीलिए हमारा ये है कि ये प्रॉपर्टी सेल नहीं होना, क्योंकि आगे हमारा जो जनरेशन है उसके लिए यूज़ करना है ये, और ये जो है ये हमारे कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए है और लड़कियों का वेलफेयर के लिए है। तो इसीलिए ना हमारा ये है कि हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स है जो भी है वो लोग ये बेचने के लिए किसी तरह से अनुमति नहीं देना। अगर ऐसा हुआ है तो ये हम जो लोग हैं ये प्रोटेस्ट करने वाले हैं और इसके लिए अनुमति नहीं देना बोल के हमारा एक मनवी है।